नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आलोक। सबसे पहले खबर राजनीति के गलियारों से। बीएसपी के अध्यक्ष मायावती को लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगा। आपको बता दें, पूर्व बीएसपी नेता मलूक नागर दिल्ली में पार्टी प्रमुख जयंत चौधरी की उपस्थिति में राष्ट्रीय लोक दल में शामिल हो गए। चौधरी ने कहा, अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में बात करना गलत नहीं है। मैंने अपने सभी विधायकों को लिखा है कि विधायक निधि से कुल 51% अल्पसंख्यकों पर खर्च किया जाना चाहिए। तो बीएसपी नेता मलूक नागर आरएलडी में हुए शामिल। बहुत खुशी हो रही है कि शुभ अवसर पर एक जमीनी नेता और उनका परिवार थी, उसको कैसे हम आगे ले जाएं, चौधरी अजीत सिंह जी की विरासत को कैसे आगे बढ़ाएं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि शुभ अवसर पर एक जमीनी नेता और उनका परिवार, सह परिवार, लोकदल परिवार में आज शामिल हो रहे हैं। किसानों के बीच इनकी बैठ रही है और हर एक व्यक्ति अपनी जवानी याद करना चाहता है। तो मैं याद दिलाता हूं कि मलूक जी भी हमारे यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कभी रहे, जब मैं भी यंग था और ये भी यंग था, 2005 में। अब तो भी यंग हो। तो इनको भी जवानी याद रहेगी। और बड़े दिल के साथ ये आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बीच में बहुत अटकलें लगाई जा रही थी क्योंकि बिजनौर से एमपी रहे लोकसभा पे, किसी कारणवश इनका चयन नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने बड़े दिल के साथ मुझे संपर्क किया और खुद उन्होंने पहल करके कहा कि मैं लोकदल, मेरा मन हमेशा आपकी तरफ रहा। मैं लोकदल ने जिनको लड़ाया है, चंदन चौहान हमारे प्रत्याशी हैं, पूरा उनको सपोर्ट करूँगा। सिर्फ बिजनौर तक सीमित नहीं है, मेरठ से भी चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का। और ये परिवार लखीराम नागर जी, और लखीराम नागर जी के नाम से नहीं तो लखिया के नाम से जाना। मिनिस्टर रहे हैं। और मैंने कहा कि सह परिवार सुधा जी भी यहाँ हैं, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रही हैं, और इनका काम भी गांव देहात से जुड़ा हुआ है, जो उनका व्यापार भी वो किसानों से जुड़ा हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि लोकदल को बहुत मजबूती मिलेगी, हमारी इमीडिएट 2024 के लोकसभा कैंपेन को मदद मिलेगी, एनडीए को बहुत मदद मिलेगी। सभी जगह प्रत्याशियों के लिए आप संपर्क करेंगे और पूरी ताकत लगाएंगे। इनका स्वागत करता हूं। ये हरी डोरी जो प्राकृतिक निशानी है, हमें धरती माँ से जोड़ेगी, और किसानों के प्रति जो हमारी एक संवेदनशीलता है, जिम्मेदारी है, उसको हमेशा याद दिलाएगी, और ये हमारे उनके रिश्ते की प्रतीक है। वहीं सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। गैंगटोक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री उत्तर पूर्व के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उनका विजन है कि देश के हर कोने से कनेक्टिविटी रहनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा, केंद्र सरकार के सहयोग से सिक्किम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जैसी संस्थानों की स्थापना होगी। बता दें कि सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। विल क्रिएट 25,000 जॉब्स अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड यूथ इन द नेक्स्ट 5 इयर्स। और हम महिला सशक्तिकरण के लिए वुमेन लेड एंड वुमेन रन अम्मा कम्युनिटी कैंटीन्स विल प्रोवाइड सब्सिडाइज थाली एट ₹5 पर मील, इसको भी हम कम्युनिटी कैंटीन चलाएंगे, इसके लिए भी हम काम करेंगे। और हम प्रपोज सिक्किम इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इंसेंटिव और कैपिटल इंसेंटिव इंडस्ट्रीज के साथ जोड़ेंगे। वी विल लॉन्च सिक्किम गतिशक्ति मास्टर प्लान टू इंश्योर मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कोऑर्डिनेटेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स ऑफ रोडवेज, रेलवेज एंड एयरवेज, इसके लिए हम काम करेंगे। इस दृष्टि से
अगली खबर की ओर करेंगे। जसोल में मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में संचालित भोजनशाला का समापन हो गया। वहीं चैत्र नवरात्रि पर्व शुक्ल पक्ष बीज के शुभ अवसर पर श्री रावल मल्लीनाथ जी मंदिर मालाजाल, श्री रानी रूपादे जी मंदिर पालिया और श्री रावल मल्लीनाथ जी मंदिर थान मल्लीनाथ तिलवाड़ा में दिल्ली NCR संत महामंडल अध्यक्ष व जूना अखाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता और दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर गाजियाबाद महंत नारायण गिरी, श्री रानी रूपादे मंदिर संस्थान अध्यक्ष रावल किशन सिंह जसोल एवं कुंवर हरीशचंद सिंह ने विधि विधान से दर्शन और पूजा अर्चना की। इस दौरान श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि पलिया धाम का दिव्य स्वरूप भक्तों का मन मोह लेता है और उन्हें सच्चे आनंद की व सुख की अनुभूति कराता है। सालों पहले यहां रानी रूपादे ने सामाजिक समरसता की जो सीख दी थी, रावल परिवार आज भी उनके पदचिन्हों पर चल रहा है। हम भी उनके साथ जुड़ेंगे और लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। वहीं हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने महेंद्रगढ़ में कनीना में स्कूल बस दुर्घटना को लेकर एक पोस्ट किया। कहा, मेरी संवेदनाएं उन शोक संतृप्त परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खो दिया। साथ ही कहा, हम स्थानीय प्रशासन घायलों की मदद के लिए तैयार है, सभी घायलों को जल्दी ठीक होने के लिए भी निर्देश दिए हैं, तो कहीं भी किसी भी तरीके की कोई कोताही न बरती जाए इलाज में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। PM मोदी की टिहरी, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार में होने वाली रैली पर उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। वहीं PM मोदी की रैली में इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, ये ऐतिहासिक है, लोगों में उत्साह है। PM मोदी ने बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं, उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए गए, उन्होंने हमेशा उत्तराखंड को प्राथमिकता दी। साथ ही उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। ऐतिहासिक है और प्रधानमंत्री जी की रैली में ऐतिहासिक लोग आ रहे हैं, बहुत लोगों में उत्साह है, लोगों में जोश है, जुनून है और प्रधानमंत्री जी ने इतने काम किए हैं उत्तराखंड के लिए, विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और उत्तराखंड के लिए भी उन्होंने हमेशा प्राथमिकताएं दी हैं। 2 लाख करोड़ की योजनाएं हमको दी हैं राज्य को, 2 लाख करोड़ की योजनाएं अभी पाइपलाइन में हैं, अनेक काम ऐसे हुए हैं जिनके बारे में लोग सोचते भी नहीं थे। हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे बढ़ा है, उन्होंने उत्तराखंड के लिए कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इसलिए हर उत्तराखंडवासी उनके साथ है। 5 सीटें लोकसभा की भारी बहुमत से माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग जिताएंगे। सर, इसी के योग नगरी भी है और तीनों लोकसभाओं को जोड़ती है, सर कितना महत्वपूर्ण हो जाता सर उनका ये दौरा? सर नहीं, ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और इसी केस से उत्तराखंड से उनका बहुत गहरा नाता है, योग नगरी है और 3 लोकसभा क्षेत्रों का एक तरह से केंद्र भी है वो, तो हमारे 3 लोकसभा और वैसे 5 लोकसभाओं में उनके आने का बहुत असर होगा और लोगों तक बात पहुँचेगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्दूचौड़ और खटीमा में गौशाला धन आवंटन को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट कराने के आदेश दिए हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद ही होगी। आपको बता दें कि हल्दूचौड़ के श्री गौड़ राधा कृष्ण मंदिर समिति ने जनहित याचिका दायर कर कहा था उसमें कि हल्दूचौड़ और खटीमा स्थित गौशाला में 1500 पशु हैं जिनके रखरखाव के लिए बाड़े की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण पशु मौसम की मार का शिकार हो रहे हैं। विशेष रूप से जो श्री नित्यानंद पाद आश्रम हल्दूचौड़ द्वारा संचालित हो रही है, एक तो हल्दूचौड़ में ही है और एक दूसरा दिया खटीमा में है, तो उसको लेकर के एक याचिका यह दाखिल करी गई थी कि अभी पंचायती राज विभाग ने करीब 10 करोड़ रुपया आवंटन किया है गौशाला विस्तारण और गौशाला निर्माण के लिए, जिसमें ये कहना था कि अभी हाल ही में बहुत सारे जो आवारा जानवर हैं उनको
करीब 400 की संख्या में हल्दू चौड़ में गौशाला में जमा किया गया, मतलब वहां रखा गया है। वहीं रजाई कुल्टिंग कर रहे महिलाओं के लिए कुल्टिंग दर बढ़ाने और एजेंट प्रथा समाप्त करने पर श्रीमद् भागवत कथा व्यास आचार्य रामचंद्र राय ने कंपनी मालिक की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसमें मात्र शक्तियों को अपना उचित मेहनताना मिलेगा, साथ ही एजेंट प्रथा समाप्त होने पर महिलाओं द्वारा कठोर मेहनत करने का समुचित लाभ भी मिल सकेगा। वरिष्ठ समाज सेवी परेश मंडल ने कहा कि कुल्टिंग कर रहे महिलाओं की कई वर्षों से मांग थी कि जो कि आज कुल्टिंग क्षेत्र में एके एंटरप्राइजेस कंपनी के मालिक आदित्य ने शानदार फैसला किया। एके एंटरप्राइजेस के जो मालिक है आदित्य जी, ये बहुत ही समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं और बहुत लंबे समय से रजाई का कार्य करते हैं। जैसा कि हमें सुनने को मिला है कि ऊपर से जो भी वायर लोग आते हैं या फिर इनके जो जहां से कच्चा रॉ मटेरियल आता है वहां से ही ऑलरेडी कंपनी के मालिकों के द्वारा लेडीज़ों के प्रति, लेडीज़ों के लिए हमारी मातृशक्ति के लिए इसका रेट बढ़ाया गया है। और मातृशक्ति को जब ये रेट जब बढ़ाया गया तो आदित्य जी का एक पूरा मैसेज है पूरे शक्तिमान या फिर दिनेशपुर क्षेत्र में या फिर जहाँ जहाँ हमारे बंगाली क्षेत्र की महिलाएं, अन्य जातियों के जो महिलाएं इसमें कार्य से जुड़ी हुई हैं, उन लोगों को अपना रोजगार में वृद्धि हो, वो उनका वाजिब हक मिले और इस हक के लिए प्रति कुल्टिंग महिलाओं को उसका प्रति दर के हिसाब से बढ़ाया गया है, जो कि प्रति रजाई के हिसाब से और प्रति कुल्टिंग के हिसाब से प्रत्येक हमारे जो मातृ शक्ति है उनके लिए ये रेट को बढ़ाया गया है। वहीं उत्तराखंड में बागेश्वर के भद्रतुंगा मंदिर के पास एक पोकलैंड मशीन का चालक पत्थर की चपेट में आने से खाई में गिर गया। सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम जरूरी रेस्क्यू उपकरणों को लेकर के तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। वहीं टीम द्वारा शव को बरामद किया गया, साथ ही घटनास्थल पर पहुंची जिला पुलिस इस मामले की जाँच में जुटी है। तो फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है और पत्थर की चपेट से युवक की मौत हुई है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, जो फंसे हुए लोगों उनको निकालने के लिए कोशिशें जारी है। आराम से चलो, आराम से। और अब आपको सीधे ले चलते हैं मध्य प्रदेश के मंडला जिले में, जहां पर देश के गृह मंत्री एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। 400 बार कराओगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और विजय का संकल्प लेकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। तो लगातार मध्य प्रदेश में जिस तरीके से 29 सीटें हैं लोकसभा की और इसी को लेकर के बीजेपी का दौर लगातार जारी है और विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने दर्ज कराई और उसी को लेकर के अब 29 सीटों को लेकर के जब तुझे जारी है, लोकसभा का प्रचार अभियान लगातार जारी है। मंडला एक बार आपको फिर ले चलते हैं। राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, मुझे बताओ भाई और बहनों, बेटे बेटी भतीजे भतीजी का जो चाहते हैं वो कभी आपका सोच सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, सोच सकते हैं क्या? गरीब का, इस देश के युवा का, किसान का और वंचित का अगर कोई सोच सकता है, महिला का कोई सोच सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी सोच सकते हैं, वो कोई लोग। भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारे वादे पूरे कर आगे बढ़ रही। ये 10 साल में मोदी जी ने हमारे देश के अर्थतंत्र को, मोदी जी ने 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम किया है और मैं आपको आज मोदी जी की एक गारंटी कहने आया हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो
संसार का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र हमारा भारत बन जाएगा। भाई और बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 55 साल तक एक कांग्रेस पार्टी उसको लटकाती रही, अटकाती रही, भटकाती रही। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बना दिया, एक ही 5 साल में केस भी जीता गया, भूमि पूजन भी हो गया और 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। भाई और बहनों, एक 500 साल के बाद, 500 साल के बाद 17 तारीख को ऐसी रामनवमी आएगी जब रामलला अपना बर्थडे अपने घर के अंदर मनाएंगे, टेंट में नहीं मनाएंगे। न केवल राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, हमारा महाकाल कॉरिडोर बनाया, सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है, महाकाली के मंदिर की पुनर्स्थापना हुई, ढेर सारे अपमानित हमारे मान बिंदुओं को मोदी जी ने सम्मान देने का काम किया है। मित्रों, सम्मान देने का काम, मुझे बताओ भाई और बहनों, मंडला वालों, एक कांग्रेस वाले कहते हैं एमपी राजस्थान को कश्मीर से क्या लेन देन? मंडला वालों बताओ, कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? वो भारत का हिस्सा है या नहीं है? मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ दिया। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी आज भी कहती है कि धारा 370 हटाकर क्या करना था। भाई और बहनों, मैं आज कांग्रेस पार्टी को कह देता हूं, सपने में भी आप शासन में नहीं आ सकते हैं, मगर आ भी गए कभी कभार आ भी गए तो धारा 370 को हाथ मत लगाना, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का फैसला है। ये कश्मीर, इसको भारत से कोई छीन नहीं सकता। भाई और बहनों, आतंकवाद, नक्सलवाद पूरे देश को डस रहा था, मोदी जी ने नक्सलवाद को मध्य प्रदेश से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और पूरे देश भर में 10 साल तक कांग्रेस का शासन था, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, मनमोहन सिंह उफ नहीं करते थे। परंतु आपने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 2014 में मोदी जी आए, मोदी जी ने आने के बाद भी आतंकवादी बाज नहीं आए, उरी और पुलवामा में हमला किया, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर उनका सफाया करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, आज चंद्रमा पर जब मिशन पहुंचता है और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहला भारतीय यान पहुंचता है, पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी की बुरी बुरी प्रशंसा करती है। और जब मोदी जी इसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखते हैं, शंकर भगवान और मां शक्ति के नाम से देश भर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। भाई और बहनों, G20 करकर उन्होंने अपना कूटनीतिक परचम दुनिया भर में लहराने का काम किया है। ये 20 साल में मध्य प्रदेश में भी विकास की गंगा बही है, पहले शिवराज जी, अब हमारे मोहन जी, ढेर सारे काम करे हैं।
और मैं यहां की स्थानीय बात करना चाहता हूं। फगन सिंह जी ने आपके क्षेत्र के लिए ढेर सारे काम करे हैं। नर्मदा एक्सप्रेसवे 906 किलोमीटर का, 3000 करोड़ की दावड़ा सिमली रेलवे लाइन, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मंडला में जनजातीय कृषि उपज कोड़ो कुटकी रागी मक्का को मिलेट के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध करना, हेलन सिंचाई परियोजना में 12000 हेक्टर की भूमि का सिंचाई करना, लगभग 13000 किसान लाभान्वित हुए, लगभग अंडई बांध परियोजना से 25 से 30 गांव आगे बढ़ेंगे, चिंकी बोरस बराज वो बहुउद्देशी योजना को भी पूरा किया, 2000 करोड़ से सिवनी में 210 करोड़ का राजमार्ग बनाया और छिंदवाड़ा में मेडिकल साइंस अस्पताल, सिवनी में 300 करोड़ से कॉलेज और 232 करोड़ से मंडला में कॉलेज। बहुत लंबी सूची है भाई, मगर फगन सिंह को ये सब कामों के लिए वोट नहीं देना है। फगन सिंह को ये सब कामों के लिए वोट नहीं देना है। फगन सिंह को वोट मोदी जी महान भारत की रचना करने वाले हैं उसके लिए करना है। भाई और बहनों, आज मैं आपको कहने आया हूं, फगन सिंह के नाम के सामने कमल का फूल है, कमल पर के फूल पर फगन सिंह के नाम पर दबाया हुआ हर एक वोट सीधा नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है। माताओं को जिस नरेंद्र मोदी ने आशीर्वाद दिया, जिस नरेंद्र मोदी को माताओं ने आशीर्वाद दिया, वो नरेंद्र मोदी ने विधानसभा और लोकसभा में माताओं को 33% आरक्षण देने का काम किया है। आज मैं इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें उपस्थित हैं, उनको कहता हूं आपका आशीर्वाद फगन सिंह के माध्यम से, कमल फूल के माध्यम से सीधा नरेंद्र मोदी तक पहुंचने वाला है। मुझे बताओ, ये मंडला सीट में भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? फगन सिंह को जिताओगे? 400 पार कराओगे? 400 पार कराओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और विजय का संकल्प लेकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ। नमस्कार।